अब आप देखने वाले हैं कि जब एक ही पासे की तीन या तीन से ज्यादा स्थितियां देकर आपको विपरीत पूछा जाए। कई बार आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पासे के एक ही पासे की तीन फोटो देता है, तीन स्थितियां देता है, या कभी चार स्थितियां देता है और आपसे ये कहता है कि इस अंक अक्षर या आकृति के पीछे विपरीत बता दीजिए। तो उसको कैसे आप विपरीत बता के आएंगे? विपरीत बताना इन चित्रों में बहुत ही आसान होता है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक व्रिक सीखने की आवश्यकता नहीं है और 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का जवाब बता पाएंगे। कोई भी बता पाएगा, चाहे से इससे पहले की जानकारियां उसने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। करना क्या है आपको ये देखिएगा। सबसे पहले जब भी आपको तीन चित्र दे तो ये तीन बातें लिखी हुई हैं, इन तीन बातों में ज्यादा से ज्यादा आपको ये दो स्टेप समझनी होंगी। तीसरी स्टेप पिछले वाले जो आपने दो आकृतियों वालों में जो स्थितियां देखी उसके आधार पर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के जब भी आपके पास प्रश्न हो तो सबसे पहले आपको देखना है जिसके विपरीत पूछा जाए, जिसके विपरीत आपको पूछा जाए उसके पड़ोसियों को ऑप्शन से हटा देंगे। पड़ोसियों को ऑप्शन से हटा देंगे, जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे। पड़ोसियों को कैसे हटाएंगे, जैसे ये वाला आपको प्रश्न दिया गया है, RS RTS 2013 प्री के अंदर आपसे पूछा गया था। यहां क्या लिखा हुआ था कि निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई हैं। लाल रंग के विपरीत आपको पूछ रहा था कि लाल रंग के विपरीत कौन सा आएगा। तो पहले आपको जो काम बताया उसके आधार पर क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि जिसके विपरीत पूछा जाए उसको ऑप्शन से हटा दे। तो यहां पर लाल के विपरीत पूछा जा रहा है, तो लाल के पड़ोसी कौन है इनको ऑप्शन से हटा दे। लाल का पड़ोसी है काला और हरा, तो ऑप्शन से काला और हरा है उसे हटा देंगे। तो सबसे पहले डी ऑप्शन को हटा देंगे। सीधी सी बात थी ये, पहले वाली स्थिति आप समझ पाए होंगे। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, शेष चित्रों में कॉमन आने वाला आपका उत्तर होगा। सिर्फ आपको ये दो बात सोचनी है जब भी ऐसा पेपर में आए। शेष चित्रों में कैसे, जिसमें आपने पड़ोसी देखा उसके शेष में, तो जिसमें इसमें आप पड़ोसी देख चुके हैं, जिसमें पड़ोसी देख चुके हैं उसके अलावा जो बच गया उसमें आपको कॉमन देखना है। इसको अलावा आपको कॉमन देखना है, यानी इस चित्र में और इस चित्र में आपको कॉमन बताना है। तो यहां से आप देखें, यहां पर काला है, काला इधर नहीं है, सफेद यहां पर है, सफेद भी इधर नहीं है, पीला इस ओर भी नजर आ रहा है आपको और पीला यहां भी नजर आ रहा है। यानी कि दूसरी स्थिति आपको पता चल गई होगी कि क्या करना है। सिर्फ आपको ये दो बातें याद रखनी है, बहुत ही आसान सी बातें हैं। पहले आप विपरीत, जिसके विपरीत पूछा गया उसके पड़ोसियों को हटा दें ऑप्शन से, एक ऑप्शन हट गया था। सेकंड थिंग आप ये सोचें कि जो शेष बच गए चित्र, जिसमें पड़ोसी देख लिया उसमें नहीं, जिसमें पड़ोसी जहां पर वो दिखाई नहीं दे रहा है उनके अंदर देखना है, तो उनमें एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी, तो आपका यहां से उत्तर हो जाता पीला। इन दो चीजों से आपको सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जितने भी तीन या चार चित्र देखे सोल्व करते हैं। फिर से मैं बता दूं आपको कि पहला काम क्या करना है, विपरीत जिसके पूछा गया उसके पड़ोसी को हटा दें आप ऑप्शन से। दूसरा काम को ये करना है कि शेष चित्रों में कॉमन आने वाला आपका उत्तर, जिसमें पड़ोसी देखे हैं उसके अलावा जितने भी चित्र बच गए उसमें एक आपको अंक अक्षर या आकृति कॉमन नजर आ रही होगी, उसके बाद कोई 1-2% में आपको उत्तर नहीं मिले तब आपको स्थिति पे जाना है। स्थिति जानने वाली है जो आपने पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर देखा कि दो फलक समान हो वो वाली स्थिति और एक फलक समान हो उनमें कैसे विपरीत ज्ञात करते हैं उसके आधार पर बताना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इस बात को समझते हैं। अब देखिएगा, 2 से 5 सेकंड में आप इन क्वेश्चंस को एक बार तैयार करने के बाद एग्जाम में लगा पाएंगे, और 5 सेकंड भी ज्यादा होंगी उसके बाद आपको लगेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए 5 सेकंड भी ज्यादा थी यदि आप इस प्रकार से सोचते। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ऐसे आपको, ये क्वेश्चन नंबर 17, यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया गया है तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। हरे रंग के सामने वाला कलर आपसे पूछा है, आपको क्या करना है। तीन चित्र आ गए,
पहला काम करना है पड़ोसी को हटा देना है। बहुत ही आसान सी बात है, आप डायरेक्ट पड़ोसी को हटाएं। यहां से मैं पड़ोसी हटाता, उसके बाद जिस चित्र से पड़ोसी हटा लिया शेष में कॉमन देखना है, शेष में कॉमन, दो ही चीजें देखनी है आपको, इनसे काम आपको सारों में चल जाएगा। तो यहां से देखिए, आपको सबसे पहले हरे को नोट करना है कि हरा कहाँ है, हरा ये रहा और हरा ये रहा, दो जगह आपका हरा आ गया। तो हरे के पड़ोसियों को ऑप्शन से हटाएंगे, नारंगी और लाल ऑप्शन से हट जाएगा, नारंगी को हटा देंगे और लाल को हटा देंगे। यहां हरे के पास में कौन है, रजत और लाल है, तो रजत और लाल को भी हटा देंगे। आपका उत्तर क्या आ जाता, बैंगनी आ जाता। मात्र आपको इतना ही देखना है, इसी से ही आप परीक्षा में सभी को बता सकते हैं कि कौन किसके विपरीत आता, आसान सी बात है। अगले क्वेश्चन को फिर से बढ़ते हैं, इसी थॉट प्रोसेस को आप डेवलप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रश्न में आपको तीन स्थितियां दी गई हैं। अब तीन स्थितियों में उसने कहा है कि नीचे एक पासे के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में तीन अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, तीन के विपरीत आपको बताना था। तो आपको मैंने दो बातें बताई कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखनी है, वो दो बातें कौन सी, सबसे पहले पड़ोसी को ऑप्शन से हटा दें, जिसके विपरीत पूछा गया है पड़ोसी को आप हटा दें। पड़ोसी को हटाएंगे सबसे पहले, तो आपको तीन के पड़ोसी हटाने हैं, तो तीन यहां पर भी नजर आ रहा था एग्जाम में, आपको तीन यहां पर भी नजर आ रहा था, तीन यहां पर भी नजर आ था, मतलब ये क्वेश्चन 2 या 3 सेकंड का था केवल देखने का। आपको करना ये था कि इसके पड़ोसी को हटा देते, तो पड़ोसी को हटाते तो एक हट जाता और दो ऑप्शन से हट जाता, यानी कि सी ऑप्शन आप नहीं लेते, इसमें विपरीत नहीं बता सकते, पड़ोसियों को कभी भी विपरीत पे नहीं लगा दे, जब भी आप घन पासे में हो तब। तीन के पड़ोसी कौन है, एक और पांच दूसरे चित्र में, तो ये पांच भी नहीं आता, पड़ोस पे आने वाले कभी भी नहीं होंगे, पड़ोसी को ऑप्शन से हटा देंगे जब भी विपरीत आप याद कर रहे होंगे। यहां भी तीन के पड़ोसी हैं, तीन तीनों जगह दिख रहा था, तो पड़ोसी तीनों जगह बनेंगे उसके, तो यहां से दो और चार, तो मैं यहां से दो और चार को भी हटाता, विकल्प आपका सही होता 6। बिल्कुल आसान सी बात है, आप सिर्फ दो चीजें सोचिएगा। आपको शुरू में समझाई कि तीन चीजें सोचनी होती हैं, पहला सोचना होता है पड़ोसी को हटाना, दूसरा सोचता है या तो पड़ोसी से ही काम चल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं एग्जाम्स में जिनमें पड़ोसी हटाने से ही आपका काम हो जाता है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो तो पड़ोसी के अलावा आपके पास दो या दो से अधिक चित्र बचने वाले हैं, उन दो या दो से अधिक चित्रों में कॉमन देखना है, वो आपका उत्तर हो जाता। तो बहुत ही आसान सी बात थी, इसके बाद में देखते हैं कॉमन उत्तर होता है, और फिर पता नहीं चले तो आप स्थितियों वगैरह में जाते हैं, बहुत बार आप शुरू में ही स्थितियों में चले जाते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ही आसान बात है। और क्वेश्चन देखते हैं, 5-7 क्वेश्चनों के साथ आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आज के बाद आपके पास जब भी एग्जाम्स में होंगे तो आप बहुत ही कंफर्ट महसूस कर रहे होंगे और प्रश्नों को आप मैजिक तरीके से सोल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपसे क्या कहा, नीचे एक ही पासे के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में चार के विपरीत फलक पर आपसे पूछा गया था, एग्जाम राजस्थान पुलिस जेल पैरी 2017 में आपसे पूछा गया। अब देखिए आपको क्या करना था, उसने पूछा चार के विपरीत, तो यहां से चार के पड़ोसी देखते, पहला काम करते आप, पहला काम करते हैं पड़ोसी देखने का, तो पड़ोसियों को हटाते, ऑप्शन में से पड़ोसी हटा दे धड़ाधड़, तो चार का एक ही जगह दिख रहा है, चार बाकी जगह नहीं दिख रहा, तो चार का पड़ोसी एक और तीन है, तो ऑप्शन से सी में एक लिखा हुआ था, एक हट गया, पड़ोसी हटा ले, जिसमें आपने पड़ोसी हटाए हैं इसके अंदर आपने पड़ोसी हटाए हैं, तो बाकी जो बच गए, बाकी ये दोनों जो घन आपके बच गए उनके अंदर आपको एक चीज कॉमन लेनी है। अब इनमें से कॉमन कौन था वो देखना था सिर्फ आपको, तो यहां से देखिए तीन यहां पर है, तीन उधर नहीं है, इन दोनों में देख रहे हैं आप फर्स्ट और थर्ड वाली स्थिति के अंदर, तो यहां पे तीन है, तीन उधर मौजूद नहीं है, यहां पर एक है, एक भी उधर मौजूद नहीं है, ये जो 6 है वो आपको दोनों तरफ नजर आ रहा था, 6 आपके यहां भी नजर आ रहा है,
और छह आपको यहां भी नजर आ रहा है। जो चीज कॉमन होगी वही आपका उत्तर होगा। सिर्फ आपको दो चीजें देखनी होती हैं कि आप एक तो देखते हैं पड़ोसी हटाते हैं और दूसरा देखते हैं शेष में कॉमन। आप सारे प्रश्नों को जो भी एग्जाम में आते हैं उनको इस प्रकार से इजीली कर पाएंगे, आपको किसी भी अन्य ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन्हीं चीजों को अप्लाई करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए। एक पासे की तीन स्थितियां दिखाई गई थी, जेल पैरी 2017 और एसएससी सीजीएल 2013 में, ये पहले आया हुआ था। नीचे एक पासे के तीन प्रारूप दर्शाए गए हैं, इस पासे में अंक दो के विपरीत पर कौन आएगा? अंक दो के विपरीत आपसे पूछा हुआ था, तो आपको पहला काम करना है दो के पड़ोसी हटा दें, दो के पड़ोसी हटा दें, तो जहां जहां भी पड़ोस में दो के दिख रहा है उसे हटा दें। तो यहां देखा दो नहीं है, यहां देखा दो नहीं है, इस चित्र पे गए दो मौजूद था, अब दो के पड़ोसी कौन है? एक और चार है, तो आपका एक ऑप्शन खत्म हो गया, पड़ोसी को हटा दें। दूसरी बात क्या करनी है आपको? दूसरी बात करनी है शेष में कॉमन। बस बहुत छोटी छोटी सी दो बात आपको सोचनी है और 4-5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल लेना है। तो यहां से एक चीज कॉमन नजर आएगी आपको, छह यहां भी नजर आ रहा था और छह आपको यहां भी नजर आ था, एक ही चीज कॉमन आएगी उसको आप उत्तर में लगा देंगे, तो कॉमन आपका उत्तर होगा, शेष में जो कॉमन है उसे ही आप अपना उत्तर बता देंगे। तो ये बहुत आसान सी दो चीजें आपको सोल्व करनी होती हैं और आप बता पाएंगे। चलो आगे अप्लाई करके देखते हैं और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से। सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां दिया गया था 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां आपके पास दर्शाई गई हैं, रेड कलर के विपरीत कौन सा होगा, लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, ये आपको बताना था। तो पहला काम करना है पड़ोसी हटाने का, तो यहां पे आपके पास लाल है, लाल के पड़ोसी हटा दें, लाल का पड़ोसी काला और हरा है, ऑप्शन से काला और हरे को आप हटा देंगे, तो ऑप्शन में हरा था केवल हरे को आपने हटा दिया। अब करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल ये देखना है कि इसके अलावा जो चित्र बच गए, जिसमें पड़ोसी देख लिया वो नहीं, पड़ोसी के अलावा जितने भी बच गए, जैसे इसमें आपने पड़ोसी देख लिया तो ये बच गया और ये बच गया, इन दोनों में आपको कॉमन देखना है, जो कॉमन होगा उसे ही आप अपना उत्तर मान लें, तो कॉमन होगा उसे आप अपना उत्तर मान लें। तो यहां से देखा काला यहां पर है, काला उधर नहीं है, सफेद यहां पर है, सफेद भी वहां नहीं है, ये दोनों कलर वहां पर नहीं है, इस चित्र में और इस चित्र में देखना है, इन दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन नहीं, जिसमें पड़ोसी देखा उसमें कॉमन नहीं, जो बचे हुए हैं पड़ोसी के अलावा उसमें कॉमन देखें। तो यहां पर पीला था और यहां भी पीला था, एक ही कलर आपके कॉमन आ रहा होगा, तो आप अपना सही जवाब बताते पीला, तो बिल्कुल सेकंडों का काम था, सिर्फ आपको सीधा देख के सोचना है, मैं आपको समझा रहा हूं तो भी 4-5 सेकंड में समझा पा रहा हूंगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया गया है, 22 के अंदर है एक घन की जिसकी फलकों पर एक से लगाकर छह तक के अंक अंकित किए गए हैं, नीचे दी गई चार अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए, ये एक ही की चार फोटो है, ज्ञात कीजिए कि तीन अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक होगा, यानी विपरीत आपसे पूछा है। जब भी तीन चित्र दे, तीन से ज्यादा दे, तो आपको क्या करना है? बहुत ही आसान सा काम, दो काम करने हैं, पहला पड़ोसी को हटा दें, आप पड़ोसी हटाएंगे यहां से, किसके पड़ोसी हटाने हैं? तीन के पड़ोसी हटाने हैं, तीन आपको यहां नजर आ रहा था, बाकी और कहीं भी आपको तीन नजर नहीं आ रहा, तीन के पड़ोसी पांच और छह को हटाना है, इसके पड़ोसी हैं पांच और छह, तो आप पांच को हटा देते, छह आपको यहां मिला नहीं था, ऑप्शन से पहला काम कर लें पड़ोसी हटा दें। जब भी विपरीत पूछा जाए, कितने भी चित्र आए, ये काम तो आपको सबसे पहले करना ही है। दूसरा काम शेष में कॉमन देखना है, शेष में कॉमन अपना उत्तर होगा, शेष कौन बच गए? तीन आकृतियां बच गई, ये आकृति और ये आकृति, इन तीनों में एक ही डिजिट है वो कॉमन आ रहा होगा, तो यहां से देखो ये चार नजर आ रहा है, इस पे भी चार नजर आ रहा है और इस पे भी चार नजर आ रहा है, तीनों में एक ही संख्या कॉमन नजर आ रही है,
वो आपका उत्तर होता। कैसे भी आप इसे चेक करेंगे, किसी भी प्रोसेस से चेक करेंगे, हमेशा आपको चार ही मिलने वाला है। किसी ट्रिक से चेक करेंगे या बिल्कुल आसानी से, जैसे बेसिक सेंस के बारे में जानते हैं तो डायरेक्ट ऐसे फाइंड करेंगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहले पासे की फलकों को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पासे की फलकों को देखना है, फिर प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न में आपसे कहा गया है लाल के सामने आपको बताना है लाल के अपोजिट क्या होता है। तो यहां से बिल्कुल आसान सी बात है, आप लाल को पहले देखेंगे, लाल के पड़ोसी ऑप्शन से हटा देंगे। लाल यहां मौजूद था, लाल यहां मौजूद था और लाल यहां मौजूद था, तीन जगह लाल मौजूद था। तो आप लाल के पड़ोसियों को ऑप्शन से काट देंगे, नीला और गुलाबी। तो यहां से आपके गुलाबी कट गया था, और नीला होता तो नीला भी कट जाता। यहां नीला और गुलाबी हटा देते हो ऑप्शन से। यहां चलते हैं पड़ोसी देखते हैं उसके, लाल के पड़ोसी हैं गुलाबी और पीला। तो आप यहां से पीले को भी काट दीजिए, पीला भी नहीं आता। यहां चलते हैं लाल का पड़ोसी है हरा और पीला, तो हरे को भी काट देते, आपका सही जवाब हो जाता काला। तो बहुत ही आसान है, कई बार तो आपको सिर्फ इतना ही जांच करने से पता चल जाएगा। पड़ोसी वड़ोसी को हटाएंगे तो ही पता चल जाएगा, आपको ऐसा करना ही नहीं है कि कोई ट्रिक और एक्स्ट्रा बातें लगानी पड़े। पहला काम पड़ोसी हटाने का और दूसरा काम शेष में कॉमन देखने का, दो ही चीजें देखनी है आपको। अगले की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर वाला क्वेश्चन है आपके, लाल रंग के ठीक सामने कौन सा रंग होगा। लाल रंग के ठीक सामने पूछा है उसने कि लाल के ठीक सामने क्या होगा, यानी रेड कलर यहां पे इंग्लिश में लिखे हुए थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, रेड को टारगेट करते पहले, रेड यहां था, रेड यहां भी था और बाकी जगह कहीं भी रेड नहीं था, दो जगह रेड था। तो रेड के पड़ोसी हटाएंगे, पिंक और ब्लैक को आप ऑप्शन से हटा देंगे। पिंक हट गया और ब्लैक हट गया। फिर रेड के पास में गए, येलो और ब्लू भी आप ऑप्शन से हटा देंगे। तो यहां से येलो भी हट जाता, ब्लू था नहीं, उत्तर आ जाता आपका डी। बहुत ही आसान बात थी, सिर्फ एक चीज देखने से ही प्रश्न समाप्त हो गया। आपको कोई स्थिति वगैरह ऐसे कुछ नोट नहीं करना है इससे। दो बातें ध्यान रखनी है, पड़ोसी को ऑप्शन से हटा दें, या तो इससे काम चल जाएगा, इससे काम नहीं चले तो बाकी बच गया उनमें एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी। जैसे ये दोनों बच गए, इनमें वो चीज कॉमन नजर आएगी आपको, यहां से ऑरेंज आपको कॉमन नजर आएगी। ये भी काम कर सकते हैं, बाकी इसको तो पड़ोसी हटाने से हो गया था। इन दोनों चीजों से काम नहीं चले तो आपको स्थिति में जाना है, तो आपको वो बहुत कम क्वेश्चंस में जाने की जरूरत पड़ेगी। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो सभी क्वेश्चन में एग्जाम्स में आए हुए इसलिए ले रहा हूं कि एग्जाम में क्या आप इस कॉन्सेप्ट को लगा पाएंगे या पहले लगा पाते हैं इसको। बहुत ही आसान बात थी। चलो क्वेश्चन करते हैं, कौन सा अंक 6 के विपरीत आएगा। तो यहां से 6 के पड़ोसी हटाते आप, तो सबसे पहले 6 यहां पर था, 6 यहां भी था, 6 यहां भी था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देख के बता सकते थे कौन यहां से होता। पड़ोसी को हटा दें ऑप्शन से, 3 और 2, 3 और 2 नहीं आने वाले। 6 के पड़ोसियों को ऑप्शन से लैप्स कर दें, 6 के विपरीत वाली चीजों को बचाएंगे इस प्रकार से। 6 के पड़ोसी 2 और 4 हैं, तो 4 को भी लैप्स कर दें, उत्तर हो जाता ए। ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें 3-4 सेकेंड लगने वाली थी और आसानी से बता सकते थे। अब देखते हैं आगे अगले वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें भी आपको एक पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं और विपरीत पूछा गया है। यहां कह रहा था कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियों का प्रारूप दर्शाया गया है। इस पासे में 6 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। 6 बिंदुओं वालों के विपरीत देखना था। अब पहला काम आप यहां 6 बिंदु ढूंढते, तो 6 बिंदु पड़ोसी ढूंढने के लिए कुछ था ही नहीं। पहला काम करते हैं आप कि पड़ोसी हटाते तो पड़ोसी हटा ही नहीं पाए आप। पड़ोसी क्यों, यहां 6 नजर नहीं आ रहा, 6 बिंदु नजर नहीं आ रही, तो पड़ोसी नहीं हटा पाएंगे। फिर दूसरा काम करते, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा काम ये करते कि कॉमन लेते आप, यानी इन सभी में कॉमन, कहीं भी पड़ोसी नहीं हटा पाए तो सभी में कॉमन, इन तीनों में कॉमन आपको, कि इन तीनों में से कौन से
कॉमन था, कॉमन देखना था आपको इनके अंदर से। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तीनों में एक कोई भी डिजिट है वो कॉमन आ रहा होगा। यहां पे तीन है, यहां पे भी देखिए तीन है, और यहां पर भी देखिए तीन है, तो यहां से उत्तर क्या हो जाता आपका, तीन हो जाता। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप इसे सीख गए होंगे, समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या क्या समझाना चाहता हूं। आपको सिर्फ ये दो चीजें देखनी है, फिर भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आए तो तीसरी बात फिर स्थिति लगानी है आपको, और स्थितियां आपने पिछले क्वेश्चंस में देखे, जो दो दो वाले चित्र थे उनके अंदर जो स्थितियां लगा थे कि दो समान एक समान, यहां कोई स्थिति लगाने की आवश्यकता नहीं थी। आप क्वेश्चन करेंगे 150 क्वेश्चंस के अंदर, कोई एकाध क्वेश्चंस के अंदर स्थिति लगाने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। सिर्फ आपको ये दो बात सीखनी थी, पहली पड़ोसी को हटा देंगे, दूसरा कॉमन आपका जवाब होगा, उसके बाद पता नहीं चले तो स्थिति में जाना है, बाकी आपको स्थिति में जाना नहीं है। बहुत ही आसान बात थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर से। यहां 27 नंबर क्वेश्चन था आपका, तीन बिंदुओं के दूसरी ओर के हिस्से के बारे में बताइए कि दूसरी ओर का हिस्सा क्या होगा, यह आपसे एग्जाम में पूछा था। तो यहां पर आपको देखिए, सबसे पहले पहला काम करते हैं आप पड़ोसी हटाने का, पड़ोसी हटाएं, तीन के पड़ोसी हटाने हैं आपको। यहां तीन मौजूद है और यहां भी तीन मौजूद है, तीन के पड़ोसी को हटा दे तो तीन का पड़ोसी दो और चार है, तो ऑप्शन से आप दो को हटा देते और चार को हटा देते, वहां तीन का पड़ोसी एक और दो है, एक और तीन ऑप्शन से है नहीं, पहला काम आपका समाप्त हो गया। अब दूसरा काम आपको देखना है शेष में कॉमन आपका उत्तर, आप देखो शेष में कॉमन नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि दो चित्र, एक ही चित्र बच गया, आप शेष तो यही बच गया आपके पास, शेष केवल एक ही बचा, तो एक में कोई कॉमन देखने की बात ही नहीं आती है, तो इन दोनों से ही काम नहीं चला, इन दोनों से काम नहीं चले और दो ऑप्शन आपके पास बच गए, तब आपको स्थिति देखनी है, अब देखनी थी स्थिति। तो कोई एकाध क्वेश्चंस के अंदर आपको स्थिति देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको कोई स्थिति नहीं देखनी है किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर। तो यहां से आपको स्थिति क्या देखनी थी, स्थिति में देखना है दो समान, दो फल के समान नजर आए आपको, ये ऑप्शन में लिखा था पांच, ये ऑप्शन में लिखा है छह, इस प्रकार से आपको स्थिति देखनी थी इन तीनों में, तो दो समान वाली स्थिति देखनी है। अब यहां से आप नोट करते तो इसमें दो आ रहा है और इसमें भी दो आ रहा है, इसमें तीन आ रहा है, दो फलकें समान है, जब दो फलकें आपकी समान होती हैं तो शेष बचे हुए आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो यहां से चार के अपोजिट क्या आ जाता, एक आ जाता, चार के अपोजिट एक बिंदु आ जाती। फिर आपको यहां से देखना था इसको और इसको देखते आप, या इसको देखते, किसी में भी दो समान वाली चीजों को देखते, तो यहां पर देखिए दो बिंदु आ रही हैं, चार बिंदु आ रही हैं, यहां चार और दो आ रही हैं, ये दोनों चीजें भी इसमें कॉमन थी, ये दोनों चीजें इसकी कॉमन थी, तो यहां से छह और तीन आ रहा था, तो यहां से तीन के अपोजिट कौन हो जाता, छह हो जाता, एक पेयर बच गया, दो के अपोजिट क्या हो जाता, पांच हो जाता। तो यहां पास ऐसे सभी स्थितियों के आधार पर भी बता सकते थे, बाकी स्थिति आपको तभी देखनी है जब आपको पड़ोसी हटाने और कॉमन देखने वाली चीजों से काम नहीं चले, तब देखना है। तो बहुत ही आसान सी बात थी, यहां पूछा था तीन बिंदुओं के विपरीत, तो आपका जवाब हो जाता बी। फिर से आप देखिए, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट थे, विपरीत तीन वाली चीजों को आप बताते तो आपको क्या करना था, ये वाली चीज आपने शुरुआत में पढ़ी थी, और ये तीन चीजें देखते हैं। पहला काम करते हैं जिसके विपरीत पूछा जाए उसके पड़ोसियों को ऑप्शन से हटा देते हैं, या तो इस बात से आपको काम चल जाएगा ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तब। दूसरा काम बताया कि उस पड़ोसी हटाने से काम नहीं चले तब आपको क्या करना है, शेष चित्रों में कॉमन देखना है, दूसरे वाली चीज ये, शेष चित्रों में जो कॉमन देखना है वही कॉमन जो चीज आएगी वो आपका उत्तर होने वाला था।
फिर इन दोनों से भी किसी एक आध प्रश्न में काम नहीं चले, तब आपको स्थितियां देखनी है। तीन स्थितियां बताई थी आपको पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो तीन स्थितियों में स्थितियां केवल दो ही देखनी है, दो फलक समान वाली और एक फलक समान वाली। दो फलक समान होती हैं तो बचा हुआ विपरीत होता है, और एक फलक समान होती है तो आप क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं। बेहद आसान सी बातें हैं, विपरीत बताने के क्वेश्चंस को आप समझ पाए होंगे। और अब आगे आप देखने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रसारित चित्रों के रूप में आपको घन देता है और कहता है कि इसे समेट के बताइए। प्रसारित घनों के प्रसारित रूप को कैसे समेटते हैं, प्रसारित घनों में कैसे आप सही उत्तर बताते हैं उनसे, वो क्वेश्चनों की डिस्कस करेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर आप यदि अभी अभी जुड़े हैं या नए हैं, यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नए जुड़े हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट नीचे लिख के भेज दें, जिससे कि मैं आगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।